हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग शिवांशी की दुनिया। ये मेरा फोर्थ व्लॉग है। एक्चुअली आज के व्लॉग में मैं ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा सैटरडे है तो मैं सैटरडे के दिन थोड़ा बिजी थी। एक्चुअली घर में बहुत काम था क्योंकि मैं इतने दिन का जो पेंडिंग काम रहता है अपना ये सैटरडे को ही पूरा कर पाती हूँ। तो आज मैं नॉर्मल माठा मारा, मैंने अभी थोड़ा सा कपड़े धुलने, मुझे ये घर का जो भी नॉर्मल डेली रूटीन वाला काम था वही सब कैरी ऑन चल रहा है अभी। और अभी मुझे थोड़ा सा रीफॉलोअप करना है, उसके बाद मतलब मेरे ऑफिस का काम को मैं एक्चुअली रीफॉलोअप करना आता है। और ये नॉर्मल जैसे मैंने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में, ये माठा मारा मैंने। और माठा मारना एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। पहले तो ये काम मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बट अभी मुझे जब से आ गया उसमें मुझे ये इतना फेवरेट हो गया कि मैं वेट करती हूँ कि जल्दी से मलाई इकट्ठा हो जाए, मैं फिर माठा मारना स्टार्ट कर दूँ। माठा मारना हुआ, सरसों बनाना हुआ, ये सब काम मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब मैं सारे काम में बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। बट हाँ, फिर भी डर लगता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन अगर देखेगा मुझे कहेगा कि अरे ये ऐसे नहीं होता है, वह ऐसे होता है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। मैं सबके सामने काम नहीं करती क्योंकि मैं फटाक से करके अपना काम कर लेती हूँ। जब सब लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो मैं अपना काम कैरी ऑन कर लेती हूँ। ओके, और मेरा मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जो भी थोड़ा सा जो भी मेरे चैनल में अगर आपको जो चीज़ पसंद ना आए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और न्यू कंटेंट में आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्या आपको मेरे बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, थैंक यू, बाय। ये बनाया है क्रिस्पी डोसा और ये कोकोनट चटनी। ये देखिए बगल में मेरी बेटी का नाश्ता रखा हुआ है, मैगी, जो वो खा नहीं रही है, अब उसको खाने का चाहिए। ये है मेरी कोकोनट की चटनी एंड प्लस देखिए कितनी थिक है ना, एंड प्लस ये मेरे डोसा बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है माठा जो अभी मैं माठे ला रही हूँ। मेरे हाथ पे बराबर बैठा नहीं है, बट मक्खन इसीलिए घी बोलते हैं लोग, जो बोलते हैं कि महंगा है घी, महंगा है, ऐसे महंगा नहीं है घी, मक्खन मारने में हालत खराब हो जाती है। ये जो मैंने रखा है ये ठंडा पानी है। एक्चुअली ठंडा पानी डालने से ना, अभी एक्चुअली गर्म मौसम आ गया तो ठंडा पानी डालना भी ज़्यादा बेटर है। ये भी एक्चुअली गाँव में ही रहते हैं तो ये एक्सरसाइज ही है। ये ठंडा पानी में एक्चुअली क्या रहता है ना, गर्मी में ठंडा पानी डालने से अच्छा रहता है, मक्खन बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखिए मेरा वो निकलने ही वाला है, ठंडा पानी में, ठंडी में ठंडा पानी डाल, ठंडी में गर्म पानी डालते क्योंकि वो जमा रहता है, तो उससे गर्म पानी डालने से पहले मक्खन निकल जाता है। और ठंडी गर्मी में आप जितना हो सके गर्म पानी आजकल तो मक्खन मारना ट्रेंडिंग चल रहा है। एक्चुअली आज सुबह से मुझे थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है क्योंकि एक्चुअली मैं बैठी हुई थी घर पे तो तभी बगल में से एक आ गई दीदी, तो वो आके थोड़ा दूध उनको चाहिए था, पहले उनको आई है स्क्रीन पर, यहाँ पर माइक है तो वो आई थी दूध लेने, तो दूध तो पूरा जो होता है वो लेके चला गया था बल्डा है, फिर मचाने का दूध, तो मैंने बोला दीदी शाम को दीदी की हमारे यहाँ शाम को भी दूध लगता है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाइए, आराम से बैठे निकल आएगा।
हो गया पूरा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दें तो आराम से उसको निकल जाता है। ज्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट मुझे अभी दिख रहा है 4 मिनट तो जो है मेरी वीडियो बनाते हैं, पर इससे पहले मैंने कोई तैयार नहीं किया, जो भी किया आपके सामने कर रही हूँ मैं। ये आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे ये सब काम बिल्कुल नहीं आता था, आपको लगेगा मैं ज्यादा ओवर बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट सच बोल रही हूँ, ये एक्चुअली रियल है। मुझे ये मक्खन मक्खन मारना कुछ नहीं आता, मैंने यहाँ से देखा तक नहीं था, लेकिन फिर जब से ये लॉकडाउन लगा, जब से मैं यहाँ गाँव में आ गई, तब से मैंने ये सब सीख लिया धीरे धीरे। यूट्यूब जिंदाबाद है ही, तो उससे खाना थोड़ा बहुत घर पर भी देखा था, मेरी जो सास थी वो भी ये काम करती थी, मक्खन मारने थी, तो उससे मैंने थोड़ा तो उनको भी देखा है करती थी। ये सब पूरा क्रेडिट मैं यूट्यूब को नहीं दूंगी। छह मिनट हो गए मुझे काम करते। कढ़ाई जो है, इस कढ़ाई में मैं मक्खन निकालूंगी, क्योंकि ये जो कढ़ाई ना एक्चुअली वो इंडक्शन पे भी जल जाती है, तो इस पे आराम से मैं निकालूंगी। आप लोग और थोड़ा पास करके देखो क्या नहीं हो रहा ना, इतना रुक जाइए। तो ये मैं मक्खन दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये कहते हैं मक्खन। लाइट आ रहा है, घर का मक्खन, जो मक्खन यशोदा मामा आती है ना, वो मक्खन है ये। ये देखिए कढ़ाई में दिखा रही हूँ, अभी मैं निकाल लेती हूँ पूरा, फिर दिखाती हूँ आपको अच्छे से। Yeah.
ये देखिए निकल गया मक्खन पूरा, इसलिए बीच का वीडियो तो हमने कट किया है। ये एक्चुअली ज़्यादा मक्खन है ना, निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए जब मथनी में लगा रहता ना, ये बहुत पुराना मथनी है हमारे यहाँ, बहुत पुराना है। एक्चुअली मेरी दादी सास जो थी ना उसके टाइम का है, तब से मेरी सास इसी को यूज करती है। एक्चुअली ऐसा चीज जल्दी टूटेगा भी नहीं आप उसे। एक्चुअली मक्खन फटाक से निकल गई, इसलिए ठंडे पानी में सका दिया ना, इसकी वजह से निकल गया आराम से। फिर भी निकल भी गया, ठंडी में थोड़ा मेहनत लगती है इसको करने में, मक्खन निकालने में आराम से। पूछ लो किसी को चाहेगा तो मक्खन दे ही देंगे, यहाँ हम लोग मानते हैं। अभी रोजा टाइम भी चल रहा है, दे देंगे। ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए ये मक्खन जो कृष्ण भगवान खाते थे वो मक्खन है। देखिए देखा, ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ऐसे शाम को एक थोड़ा सा नाश्ता बनाया, चाय बनाया, चाय पियेंगे अभी। ये भजिया है, आलू की भजिया है एंड इसमें बैंगन है, बैंगन और आलू की भजिया एंड ये टोमेटो सॉस। बहुत ही शाम को थोड़ी थोड़ी, अभी एक्चुअली ये गर्मी के मौसम में एक्चुअली शाम को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है, तो उसके लिए थोड़ी सी वो खाने, तो चाय पियेंगे इसके साथ अभी, प्लस ये मेरी भजिया के साथ गर्मा गर्म चाय। ये एक्चुअली कप बहुत बड़ा है बट मैं चाय से ना पीती हूँ। ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था, इस पर देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, एनिवर्सरी। ये देखिए धुआं दिख रहा है आपको इसका, क्या धुआं निकल रहा है चाय का।